स्वरा भास्कर कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। लगभग हर कोई स्वरा भास्कर को जानता है क्योंकि इन मोहतरमा की आदत है कि ये एक्टिंग में कम और राजनीति में बेवजह कहीं भी इनकी मुंह मारने की आदत हो। जहां नहीं बुलाया जाता ये वहां भी पहुंच जाती है और जहां इन्हें 100-200 रुपए देकर बुलाया जाता है वहां तो ये पहुंच ही जाती है। यानी कि इनके ज्ञान की जरूरत वहां पर नहीं होती है लेकिन ये अपना ज्ञान देने मुफ्त में वहां पहुंच ही जाती है। तो खबर ये है कि स्वरा भास्कर की पूरी फैमिली को कोरोना हो गया है। यहाँ तक कि इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर वो अलग ही बवाल छेड़कर रखी हुई, यानी यूं कह ले कि इसके बाद भी स्वरा भास्कर जो है अपनी राजनीति छोड़ नहीं रही है। राजनीति नहीं, गंदी वाली राजनीति। हर कोशिश कर रही है कि अगली बार आम आदमी पार्टी से इन्हें विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने का जो टिकट है वो मिल जाए, यानी हर तरह की चापलूसी करने में लगी हुई। पिछले साल कोरोना के चलते जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के बाद शाहीन बाग का जो आंदोलन था उसे भी खत्म करने के लिए स्वरा भास्कर ने एक वीडियो बनाया था कि आप लोग इस आंदोलन को बंद करो और अपने अपने घर जाओ, सुरक्षित रहो। लेकिन ये वही स्वरा भास्कर है जब किसान आंदोलन होता है तो वहां पर ज्ञान देने पहुंच जाती है, वो भी बिना मास्क के, क्योंकि तब तक लॉकडाउन खुल चुका था और किसान आंदोलन को स्वरा भास्कर के ज्ञान की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी जो कि इनसे किसी ने मांगी भी नहीं। देखिए, कोरोना के नियमों का उल्लंघन करना है, मास्क नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करना है, हाथों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन दूसरों को ज्ञान देना जरूरी है। और इस बार भी जब इनके परिवार को कोरोना हुआ तो ये खुद की जिम्मेदारी नहीं बता रही है, ये सीधा का सीधा आरोप लगा रही हैं मोदी के ऊपर और मंदिर के ऊपर। यानी हर बात में लोगों को मंदिर ही क्यों नजर आता है, ये बात कुछ समझ से परे है। अब स्वरा भास्कर ने मोदी को कोसते हुए एक स्टेटस डाला है, लिखा है, मंदिर वही बन रहा है, अस्पताल में बेड मांगकर शर्मिंदा ना करें, धन्यवाद। अब आप स्वरा भास्कर की राजनीति को समझो कि मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके जलन के चलते मोदी को कोस रही हैं, हिंदू धर्म को कोस रही हैं, लेकिन जिस दिल्ली में इनके माँ बाप रहते हैं, ये खुद रहती हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शब्द तक नहीं बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि मोहतरमा को चाहिए विधानसभा का टिकट। अब सोचिए, कल जो वीडियो हम सभी के सामने आई कि जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगने वाला है, उसके बाद सभी को पता चल गया कि ये लॉकडाउन 6 दिन का नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा दिनों का होने वाला है, तो तुरंत ही आनंद विहार बस अड्डे पर लाखों की भीड़ जमा हो गई। इस बारे में स्वरा भास्कर को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि स्वरा भास्कर अगर अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ गलत कहेंगी तो भाई अरविंद केजरीवाल टिकट नहीं देंगे। देखिए, ये जो स्वरा भास्कर हैं ये राजनीति की प्रैक्टिस पिछले कई सालों से कर रही हैं, ताकि जब राजनीति में आए तो और भी गंदी राजनीति कर सके, जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे, आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।